यहाँ देखिए हम लोग एरोमेटिक और एलिफैटिक बता रहे हैं, बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो दिखाएंगे बेंजीन क्या है और एरोमेटिक कैसे होता है। जो कि एरोमेटिक एलिफैटिक हम लोग इसी पाठ में पीछे पढ़ चुके हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक में। तो देखिए बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6 होता है। इसको देखना है क्या बेंजीन एरोमेटिक होगा या नहीं होगा या कैसे पहचाना जाएगा। तो देखिए इसमें C6 में माने कार्बन की संख्या कितना है, 6 है कार्बन की संख्या। आप देखिए 6 कार्बन की संख्या को हम इसका संरचना बनाते हैं, ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक का मतलब होता है ये रिंग में होगा। तो एक कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हुआ। और प्रत्येक कार्बन में 4-4 इलेक्ट्रॉन होता बाह्यतम कक्ष में, तो प्रत्येक में 4-4 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं। और कितना हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन लिख लेते हैं। और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता, 6 हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब इसके बाह्यतम कोष में 1 होता, जिसके बाहरी कोष में 1-1 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा C6 माने 6 कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, क्या अभी जुड़ा हुआ है, 6 अभी नहीं जुड़ा है। अब पहले हम इसे 1-1 बंध से 6 को जोड़ देंगे। अब देखिए 6 कार्बन जुड़ गया तो ये C6 हो गया, 6 आपस बंध गया, अब हो गया C6। H कितना है, 6। 6H को भी आपस में जोड़ देना है, और तब तक ये जुड़ेगा जब तक कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, अपने निकटतम आक्री गैस का रूप ग्रहण कर लेगा। देखिए ये हो गया C6H6 हो गया है, लेकिन इसमें देखिए कार्बन के बाहरी कोष में साझेदारी करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी इस समय देखिए कार्बन इधर साझेदारी किए, 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 1 ये 2, 1 ये है 3, इधर 4, 5, 6, 7 एक काम है इसमें। इसके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन बचा जो साझेदारी नहीं किया है, और इसमें देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें भी कितना है, 7। अब देखिए एक इसमें कम है, 1 इसमें कम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। ये दोनों आपस में साझेदारी करके क्या बना देगा, डबल बंध बना देगा। डबल होगा जिसमें एक सिग्मा होगा और दूसरा पाई बंध होगा। हमेशा कहीं पर डबल बंध होगा तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। ट्रिपल होगा तो एक सिग्मा, दो पाई। सिग्मा की संख्या नहीं बढ़ेगा, पाई की संख्या हमेशा बढ़ता है, माने हमेशा कोई भी परमाणु सिग्मा के माध्यम से जुड़ता है। अब इस कार्बन देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका भी 8 हो गया है। आ जाइए नीचे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इसमें है, इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इसमें 7 इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बचा है। ये दोनों आपस में क्या कर लेगा, जुड़ जाए, साझेदारी कर लेगा। अब देखिए इसका भी कोष पूर्ण हो गया, इसका भी कोष पूर्ण हो गया, और यहाँ देखिए इसमें भी, इसमें 7 है, इसमें 7 है। गिनेंगे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इसमें है ना, हमको साझेदारी करने के बाद कितना करना है, 8 करना है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माने 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये दोनों आपस में साझेदारी करके कितना बना लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन ये बना लेगा। इस प्रकार से देखिए ये हो गए C6H6। सबका कोष पूर्ण हो गया है। हाइड्रोजन के निकटतम आक्री गैस हीलियम होता है। हीलियम के बाहरी कोष में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम के निकटतम 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे देखिए 1, 2 इसमें 2 हो गया है, 1, 2 माने प्रत्येक हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होगा। और कार्बन के निकटतम आक्री गैस जो होता है ये नियान होता है, और इधर हाइड्रोजन दोनों का मध्य होता है, ऑक्सीजन आक्री गैस नहीं होता है। नियान आक्री गैस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, ये सब आक्री गैस होते हैं। आक्री का मतलब ये होता है जो क्रिया ना करे, आक्री क्री माने क्रिया करना, आक्री माने जो क्रिया ना करे। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सभी आक्री गैस के बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, जिसमें हीलियम अपवाद होता है। हीलियम के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब आक्री गैस के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 से लेकर के वह अस्थाई होता है, इसलिए सभी परमाणु के बाहरी कोष में कितना होता है,
आठ करना होता साझेदारी करने के बाद। और हाइड्रोजन को जो हीलियम जो निकलता होगा उसमें दो किया जाता है। अब देखिए बेंजीन एरोमेटिक होता है, कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक? सभी कार्बन कार्बन आपस में रिंग में जुड़ा होगा, जुड़ा है इसमें रिंग में। अगर सभी आपस में रिंग में जुड़ा होगा, रिंग में जुड़ने के बावजूद भी ये पाई बंद होना चाहिए। पाई बंद का मतलब होता है ये अल्टा, जैसे यहाँ देखिए डबल बंद सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये लगातार अल्टरनेट चल रहा है। अगर कार्बन कार्बन रिंग में होगा पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन रिंग में होने के बावजूद भी ये डबल सिंगल ये अल्टरनेट पोजीशन पर जुड़ा रहेगा तो उस यौगिक को कहा जाता है एरोमेटिक कहा जाता है। बेंजीन तो है ही, बेंजीन एक एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक की यही पहचान है कि कार्बन कार्बन रिंग में होगा पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन रिंग में होने के बावजूद भी ये डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पर रहेगा। अल्टरनेट का मतलब होता है यहाँ एक जगह रहेगा फिर डबल नहीं, फिर रहेगा फिर डबल नहीं, फिर रहेगा फिर डबल नहीं, माने क्रमागत को छोड़ करके। इस कंडीशन पर अगर कहीं मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कहेंगे। पहचान लेंगे एरोमेटिक। प्रेड के लिए क्या है, कोई अगर प्रेड के लिए पहचानना है कि एरोमेटिक है या नहीं है, उसे जला देंगे। अगर जलाने के जलते समय उसमें से धुआं निकलेगा तो बता देंगे एरोमेटिक है, अगर धुआं नहीं निकलेगा तो एलिफैटिक होता है। माने प्रेड के लिए बता रहा है, अगर जलाने पर धुआं निकलेगा तब तो एरोमेटिक होगा, अगर धुआं नहीं निकलेगा तब वह होगा एलिफैटिक होगा। और एलिफैटिक का पहचान है यही, जितना कार्बन होगा इसकी खुली श्रृंखला होगा। खुली श्रृंखला माने जैसे ये हो जाएगा CH3, CH2, CH3, माने जो भी होगा ये कार्बन की श्रृंखला खुली ओपन चेन होगा, तब इस यौगिक को कहेंगे यह यौगिक हमारा है एलिफैटिक होगा। माने कार्बन कार्बन की श्रृंखला यदि खुली होगा तो होगा एलिफैटिक, कार्बन कार्बन की श्रृंखला यदि बंधा होगा माने साइक्लिक में होगा रिंग में होगा तब उसे कहेंगे एरोमेटिक। लेकिन रिंग में होने जैसे अगर यही पाई बंद हटा देंगे तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, फिर भी एलिफैटिक होगा। एलिफैटिक ओपन चेन भी होता है रिंग में भी होता हो, एलिफैटिक दोनों होता है। लेकिन एरोमेटिक तब कहेंगे जब ये पाई बंद अल्टरनेट पोजीशन पर रहेगा तब उसे हम कहेंगे एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एलिफैटिक पहचान लेंगे। क्लियर हुई इतना? चलो ठीक है इतना।